कातंत्र रूपमाला तिगंत प्रकरण के अंतर्गत अदादि गण का प्रसंग चल रहा है और अदादि गण में विद ज्ञाने धातु की चर्चा चल रही है। इसीलिए विद धातु को सम उपसर्ग पूर्वक यदि हम प्रयोग करते हैं तो इस धातु को आत्मनेपदी होता है, ऐसा निर्देश अग्रिम सूत्र द्वारा दिया जा रहा है। और जब उसको आत्मनेपद होगा तो आत्मनेपद केवल विद धातु को ही नहीं होगा, अन्य धातुओं को भी होगा। तो अन्य धातुओं की भी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन मूल हमारी अभी विद धातु चल रही है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि विद धातु चार प्रकार की है, यानी कि चार गण की अलग अलग है। अब हमें यहाँ इस सूत्र में जो चर्चा आई है उसके माध्यम से कैसे जानेंगे कि हमारी ये विद ज्ञाने अदादि गण वाली धातु है, इसका उत्तर अभी आपको देना है। ये प्रश्न मेरे पास में है कि विद ज्ञाने धातु जो है उसका ग्रहण यहाँ पर करना है, पर मैंने पूर्व में आपको बताया था कि विद धातुएं चार हैं, उन चार धातुओं में से चार गणों की अलग अलग हैं, तो हमें विद ज्ञाने अदादि गण की ही क्यों ग्रहण करनी है, ये प्रश्न है। अब ये सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, बहुत लंबा चौड़ा है और इस सूत्र की व्याख्या हम जितने दिन करेंगे उतने दिन कम है, लेकिन आप लोग सभी हमें सहयोग पहुंचाएंगे। तो ये धातुएं आपकी पूर्व में सभी आ चुकी हैं और पूर्व में जो धातु आई हैं और जो नई आई हैं उनको हम बताते चले जाएंगे। समो माने सम उपसर्ग होना चाहिए, पहले उच्चारण हो जाए। समो गम रक्षक प्रक्षी श्री श्रुवेत्यर्थी दृशाम, इन सूत्रों का इन धातुओं का अर्थ मैंने आओ संस्कृत सीखे कातंत्र व्याकरण कक्षा इन ग्रुपों में भेजा है और पूरी अच्छे से एक एक शब्द की सिद्धि करके आपके पास तक भेजी है। सब लोगों ने उसमें से ग्रहण कर लिया होगा और नहीं ग्रहण किया हो तो अपने अपने ग्रुप में देख लें। आज मैंने इसी धातु का प्रयोग करके एक एक सिद्धि करके दर्शाई है और आप लोगों को भी इसी प्रकार से शेष सिद्धियां सिद्ध करनी है। तो इस सूत्र हमारा कह रहा है समो गम चप प्रची श्री श्रु वित्यर्थी दृशाम, ये सूत्र कह रहा है सम उपसर्ग पूर्वक गम माने गम धातु, गम के बाद में आया रिक्ष धातु, रिक्ष के बाद में आया प्रक्ष धातु, प्रक्ष के बाद में आई श्री धातु, श्री के बाद में आई शुरु धातु। अब मेरा प्रश्न है उसका जवाब देना, ध्यान देना। फिर उसके बाद में आया बेती, फिर उसके बाद में आया रीति, फिर आया है दृश्य। अब यहां तक तो सम दिख रही है, रिक्ष दिख रही है, प्रक्षी दिख रही है, श्री दिख रही है, शुरु दिख रहा है। अब लिखा हुआ है बेती। अब बेती ये विद धातु का अदादि गण में ही बेती प्रथमा का एक वचन रूप बनता है, इसीलिए बेती बना बनाया पद इन्होंने यहां दर्शाया है, इसीलिए यहां पर विद ज्ञाने धातु लेना है। और अर्थी बनाया है तो माने रिरी गतौ, रिरी दो प्रकार की धातुएं हैं, एक ज्योत्यादि गण में है और एक भुवादि गण में है। भुवादि गण का रूप उसका यहाँ पर दर्शा दिया गया है कि अर्थी माने ती लगाकर, और ज्योत्यादि गण में उसका रूप कुछ और बनता है, इसलिए यहाँ पर भुवादि गण की रिरी धातु लेना है। और दृश्य धातु आपके बीच में है ही है। अब सम उपसर्ग पूर्वक जब गम धातु का प्रयोग हम करेंगे
तो गमिष्य माम छा सूत्र को ध्यान रखेंगे और गमिष्य माम छा से फिर अघो से प्रथमा ये सभी प्रयोगों को करके गम के स्थान पर पूरा पूरा गच्छ आदेश हो जाएगा और ती की जगह ते प्रत्यय आएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अनविकरण होगा क्योंकि वो भवादिगण की धातु है। गम के बाद में रिक्ष धातु है, रिक्ष ये तुदादिगण की धातु है और तुदादिगण की धातु होते हुए इसमें अनविकरण तो होता है पर गुण नहीं होता है। और प्रक्ष धातु है, ये प्रक्ष धातु भी तुदादिगण की धातु है और तुदादिगण की धातु में इसको प्रक्ष को अनादेश होता है पर गुण नहीं होता है। प्रक्ष के बाद में आता श्री गतौ, श्री धातु के स्थान पर धाव आदेश किया था, सुरवा धाव आदेश किया था, वो शुरू धातु है और शुरू धातु जो है उसको सुरवा श्री चे आसूत्र है तो सुरवा श्री चे माने शुरू के स्थान पर श्रव आदेश श्री आदेश होता है और नू विकरण होता है। अब नू विकरण वहां पर किया था तो वहां पर परस्मै पदी धातु थी, परस्मै पद का प्रत्यय लेकर आए थे ती, लेकिन इस सूत्र से आत्मने पद का प्रत्यय आएगा तो आत्मने पद का प्रत्यय आने पर सर्वेशा मात्मने, ये देखिए जो हमने ग्रुप में डाला था वो भैया जी हमारे बीच में सब कुछ दर्शा रहे हैं। सबसे पहले वर्तमान का ते प्रत्यय वाला दिखाना है, एक एक का, इसीलिए अलग अलग नौ हमने रूप रखे थे। और उसके बाद में विद ज्ञाने धातु है तो यही है, और उसके बाद में जिससे प्रेक्षण दृश्य के स्थान पर पद से आदेश हो जाता है और सम उपसर्ग पूर्वक लगाएंगे तो आत्मने पद में रूप चलाना है, इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। अब ये हमारे बीच में सम उपसर्ग पूर्वक आत्मने पद का प्रत्यय ती हमारे भी ते हमारे बीच में आएगा और इसी विधि से आपको अपने प्रयोगों को सिद्ध करना है। ते प्रत्यय वाला लेके आना है ते। अभी हमारे भैया जी जो दिखा रहे थे वही हमारे सामने लेके आना है पर उसमें ते वाला लेके आना है। ते संबित्ते, संबित्ते यही देखिए अब हमारे बीच में है और इसका प्रयोग पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है क्या करना क्या नहीं करना। अगर आप थोड़े सी भी समझदारी का प्रयोग करेंगे तो इसकी पूरी सिद्धि यहाँ पर मैंने वर्तमान की नौ बनाकर आप सबकी सुविधा के लिए दे रखी है। सम उपसर्ग पूर्वक विद ज्ञाने धातु को जो सूत्र हमारे बीच में आया समो गमृक्षप प्रक्षी श्री श्रु वित्यर्थी दृशाम सूत्र से आत्मने पद होकर वर्तमाना के प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में ते प्रत्यय आने पर सम धन वेद धन ते इस स्थिति में अन्य विकरणा कर्तरी सूत्र से अनविकरण कर सम विद आ धन्ते इस स्थिति में अदादेर लुक विकरणस्य सूत्र से विकरण का लुक कर सम विद ते इस स्थिति में नामिनश्चोपधाया लघु हो आपके पास जो पुस्तक बड़ी वाली है उसमें नाम्यंत्योर धातु विकरणोर गुणा ये सूत्र लिखा हुआ है जो गलत है। नामिनश्चोपधाया लघु से गुण की प्राप्ति होने पर सर्वेषाम् आत्मने सार्व धातु के नुत्तमे पंचम्या इस सूत्र के माध्यम से
गुण का निषेध हो गया। गुण का निषेध होने पर अघोषेष वसीताम प्रथमा सूत्र से तकार के स्थान पर तकार आदेश कर सम धन वित्त धन ते, इस स्थिति में अब जो सम का मां है उस मां की व्यवस्था बनानी है। तो मनोर अनुस्वारो धुटि, मां और ना को अनुस्वार होता है धुट पड़े रहने पर, धुट माने 24। सूत्र से सम के मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश कर सम वित ते, स्थिति में व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, सूत्र के माध्यम से सम वित ते यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब आते प्रत्यय लेकर आएंगे तो आते प्रत्यय में सभी काम ये हो जाएंगे, पर अघोषेष वसीताम प्रथमा बस ये सूत्र नहीं लगेगा। आते प्रत्यय लाएंगे तो अघोषेष वसीताम प्रथमा ये सूत्र नहीं लगेगा और प्रयोग सिद्ध हो जाएगा संविदाते, केवल जोड़ देने का काम है, बाकी सभी काम होंगे। जितने काम इसमें हो रहे हैं वो सभी काम होंगे, लेकिन अघोषेष वसीताम प्रथमा सूत्र नहीं लगेगा। दूसरा प्रयोग हो जाएगा संविदाते, संविदाते। अब अंते प्रत्यय जब हम लेकर आएंगे तो अंते प्रत्यय के आने पर दूसरा प्रयोग संविदाते भैया जी दिखा रहे हैं, और अंते जब प्रत्यय लेकर आएंगे तो सारा का सारा काम ये करेंगे, अनविकरण करेंगे। ये विदाते है, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है, ऐसे ही प्रथम पुरुष का द्विवचन बनना है, उसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल प्रत्यय में आते हैं, इसमें आते हैं। तो यहाँ पर सभी सूत्र लगेंगे लेकिन अघोषेष वसीताम प्रथमा नहीं लगेगा। अब अंते प्रत्यय लेकर आएंगे तो अंते प्रत्यय में हमें समूह गमृक्ष प्रक्षी श्री सुप्रित सुश्रु भित्यर्थी दृशाम सूत्र से आत्मनेपद करना है, अनविकरण कर्तरी करना है, अदादेर लुक विकरण से करना है, नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति, और सर्वे सामात्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध, और मनोरनुस्वारे झुटी ये सूत्र को लगाने के बाद अगला सूत्र हमारे पास में आता है बेतेरवा। 701 नंबर का सूत्र आता है बेतेरवा, यानी कि विद धातु को ताके होने पर जो अंते आया हुआ है उस अंते के आदि में री का आगम होता है, बेतेरवा होता भी है और नहीं भी होता है, यानी कि विकल्प से हमें री का आगम करना है, विकल्प से री का आगम करना है। सूत्र नंबर है 701 बेतेरवा, और बेतेरवा से री का आगम हमने किया, अब री में से रा बचेगा, बेतेरवा। ये सूत्र से विद धातु से परे जो अंते है उस अंते के आदि में री का आगम होता है, और री का आगम होने पर री में से रा बचेगा, और उसके भी पूरे के पूरे रूप हमने आपको दर्शाई दिए गए हैं, तो बनेगा संविद्रते, संवृतते, संविद्रते। और जब री का आगम नहीं करेंगे तो बनेगा संविदते, संविदते। ये भी प्रयोग हमने आपके बीच में दर्शा दिया है, संविद्रते और संविदते, ये प्रयोग सिद्ध होता है। और मध्यम पुरुष में से विभक्ति लाएंगे
तो इसमें भी कोई नया काम नहीं, संवित से प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। और फिर द्विवचन में हाथे प्रत्यय आएंगे तो व्यंजन मत स्वरम चिरे की संविद्रते और संविदते, ये भी आपके बीच में दर्शा दिया गया है। और इसमें भी नया सूत्र जो है विशेष वो है आत्मनेचा नकारात। आत्मनेचा नकारात से नकार का लोप हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा संविद्रते, और जहां विकल्प के अभाव में बनेगा संविदते। ये आत्मनेचा नकारात सूत्र से ना का लोप करना है और वेतेरवा सूत्र से री का आगम करना है, तो बन जाएगा संविद्रते और संविदते। उसके बाद में से प्रत्यय आने पर संवित से, आते प्रत्यय आने पर संविदाते, और उसके बाद में ध्वम प्रत्यय आएगा। ध्वम प्रत्यय में सावधानी रखना है अपने को, ध्वम प्रत्यय में सावधानी रखना है। और सावधानी क्या रखना है कि यहाँ पर अपने को जो काम करना है वो सब हो जाएंगे, अनविकरण हो जाएगा, अदादे लुक विकरण से हो जाएगा, नामिनस चोपदाया लघु और सर्वे सामात्मने अनुत्तमे पंचम्या और मनोर अनुस्वारो धुटी, बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा संविद द्वे, संविद द्वे, ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा संविद द्वे। फिर ए प्रत्यय लाएंगे तो जोड़ देंगे व्यंजन मस्वरम परवर्णम नये तो बनेगा संविदे, संविदे। फिर बहे प्रत्यय आएगा तो जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर वही बन जाएगा संविद महे। और इसके बाद में महे प्रत्यय लाएंगे तो संविद महे। ये सभी प्रयोग हमने आपको इसलिए दिखा दिए कि ये नया प्रयोग है, नया काम है, आप लोग परेशान ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं। इसलिए एक एक प्रयोग को आपके सामने पूरे प्रयोग हमने यहाँ पर दर्शा दिए गए हैं। अब इनमें जो जो धातुएं इनमें बीच में आई हैं, उन धातुओं का प्रयोग आप अपनी सहज सुविधा अनुसार आगे कर सकते हैं। इसी का आधार लेकर आप पंचमी में भी यही रूप बना सकते हैं, और उसके बाद में पंचमी के बाद यस्तनी और सप्तमी में भी ये पूरे के पूरे रूप चला सकते हैं। तो सब पंच वर्तमान में संविदते, संविदाते, संविदते और दो दो रूप बनते हैं, वो आपके बन जाएंगे। अब उसके बाद में जब यस्तनी चलाएंगे तो सप्तमी जब चलाएंगे तो सप्तमी में ईत प्रत्यय आता है, और ईत प्रत्यय के आने पर केवल जोड़ना वाला सीधा का सीधा, हमको नया काम कुछ भी नहीं करना है, केवल ईत प्रत्यय को जोड़ देना है। और सम उपसर्ग पूर्वक सम के जो साधु सूत्र है, समो गमृच्छ प्रक्षी श्री श्रु वेत्तरती दिशाम, इससे आत्मने पद का ईत प्रत्यय लाना है, अनविकरण करना है, अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक, और नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से गुण की प्राप्ति, और उसके बाद सर्वेशा महात्मने सावधातु के नुत्तमे पंचम्या से गुण का निषेध, मनोर अनुस्वारो धुटी से माँ के स्थान पर अनुस्वार, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम लगाएंगे तो बनेगा संविदित, फिर संविदियाताम, संविदिरन, संविदिथा, संविदियाथाम, संविदीय विधिध्वम, संविदीय संविधि वही और संविधि मही, प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब पंचमी में संविताम वर्तमाना की तरह संविताम, और इसके साथ संविदाताम, संविद्रताम, यहां पर भी यही सूत्र जो लग रहा था
उस सूत्र को ध्यान रखना है, बेतेरवा, बेतेरवा सूत्र से संवित्रताम और संविदताम ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। फिर स्वा प्रत्यय आएंगे तो संवित स्व, फिर उसके बाद में संविदा थाम, फिर उसके बाद में आई लाएंगे, फिर संविध्वम और उसके बाद में आई प्रत्यय लेकर आएंगे, तो आई प्रत्यय लाएंगे तो यहां पर संवेदी, संवेदी क्योंकि यहां पर आत्मनेच नकारात सूत्र से गुण का निषेध नहीं होगा। आत्मनेच नकारात सर्वेषाम आत्मनेनुत्तमे पंचम व्यासे गुण का निषेध नहीं होगा। संवेदी ई के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, अनुविकरण करना है, अदादे तो विकरण से करना है, नामिना शोभताया लगो मनोरमस्वारो धुटी और उसके बाद में व्यंजन वस्वरम परवर्णम नये तो संवेदी संवेदा वहे संवेदा महे। उसके बाद में यस्तनी में, अब यस्तनी में ये ध्यान रखना है कि सम उपसर्ग पहले लगाना है और सम उपसर्ग पहले लगाकर धातु से पहले अटका आगम करना है और अटका आगम माँ में जुड़ लग जाएगा और जब अटका आगम करेंगे माँ में जुड़ जाएगा तो यस्तनी में मनोर अनुस्वारो धुटी ये सूत्र नहीं लगेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सम उपसर्ग पूर्वक विद ज्ञाने धातु को समो गमृच्छप प्रक्षी श्री श्रु वेत्यर्थि दिशाम सूत्र से आत्मनेपद और आत्मनेपद की विवक्षा में तात्पर्य, फिर अनविकरण कर्तरी सूत्र से अनविकरण, अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक और नामिनस चोपदाया लघो सूत्र से गुण की प्राप्ति, सर्वेशा महात्मने सार्व धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध और अघोषेष वसीताम प्रथमाः सूत्र से दकार के स्थान पर तकार आदेश और अड धात्वादेह यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिषु इस सूत्र से धातु के आदि में अटका आगम अतिरिक्त हो जाएगा, इसमें मनोर अनुस्वार और धुटी नहीं लगेगा क्योंकि सामने धुट नहीं है, तो यहाँ पर व्यंजन स्वरम से बनेगा समवित्त समवित्त, फिर आताम प्रत्यय आएगा तो संविदाताम, फिर अंत प्रत्यय आएगा तो वही बेतेरवा सूत्र का ध्यान रखना है और बेतेरवा सूत्र से शुरू में री प्रत्यय हो जाएगा, री का आगम हो जाएगा और री का आगम होगा तो उसमें से केवल रा बचेगा और आत्मनिचा नकारा सूत्र से उसका नकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा समविद्रत और समविदते, फिर समविद्था उसके बाद में संविदाथाम, फिर संविध्वम, फिर समविधि ई प्रत्यय आएगा तो समविधि और उसके बाद में समविद बहे और समविद महे ये हस्तनी में प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार आपको सम उपसर्ग पूर्वक विद धातु के पूरे प्रयोग हमने आपके बीच में सिद्ध करके दिखा दिए हैं। अब आप लोगों की परीक्षा की घड़ी है और आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो इसीलिए वर्तमाना के सम उपसर्ग पूर्वक विद धातु के रूप बनाकर आपके सामने प्रेषित किए हैं। आप सभी विद धातु की तरह सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु के, सम उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु के, सम उपसर्ग पूर्वक प्रक्ष धातु के सभी के प्रयोग बना बनाकर आत्मनेपद के प्रयोग बना बनाकर आओ संस्कृत सीखें।
और स्कातंत्र व्याकरण कक्षा इन ग्रुपों में भेजकर अपनी बुद्धिमत्ता दर्शा सकते हैं कि आपकी बुद्धि किस प्रकार से कार्य कर रही है। अब हमारे बीच में अगली धातु हमारे बीच में आएगी इण गतौ। ये आपको बहुत दिन का काम आपको मिल चुका है, 700 नंबर के सूत्र से आप जितने दिन चाहें उतने दिन काम कर सकते हैं। अब हमारे पास में इण गतौ धातु आएगी, उसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। परवराज पर्युषण पर्व हमारे बीच में आ रहे हैं, उसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद। तो इण गतौ धातु की सिद्धि हमारे बीच में है, उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आप सबकी आज्ञा अनुमति लेते हैं। वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका अभिवादन।